अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि वो लिबरल्स के नए बजट की हिमायत करे या नहीं। एनडीपी रहनुमा जगमीत सिंह का कहना है कि उन्हें बजट के बारे में कई खदशात हैं। कैनेडा के मुख्तलिफ जमातों की जानिब से बजट की मुखालफत। कैनेडा में सीजन से पहले ही जंगलात में आग, हुकाम तशवीश में मुब्तला। अल्बर्टा के एक इलाके के लिए जंगल की आग का अलर्ट जारी। आग ने अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया के बड़े हिस्से को लपेट में ले लिया। टोरंटो पुलिस अफसर की मौत में अदालत ने उमर जमीर को बेकसूर करार दे दिया। जमीर ने पुलिस अफसर की मौत में फर्स्ट डिग्री कत्ल का कसूरवार ना होने की इस्तदा की थी। उमर जमीर का कहना है कि जब अपने बच्चों को देखता हूँ तो पुलिस अफसर के बच्चों का सोचता हूँ। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 2016 के सदारती इलेक्शन में फ्रॉड का इल्ज़ाम। ट्रंप का कहना है कि अदालती निज़ाम के हवाले से लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है। दरअसल ये मुकदमा मेरे खिलाफ मुश्तरका तौर पर विच हंट है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. एनडीपी लीडर जगमीत सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी ने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि गुज़िश्ता हफ्ते पेश किए गए वफाकी बजट के हक में वोट देगी या नहीं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एनडीपी लीडर जगमीत सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि वो गुज़िश्ता हफ्ते पेश किए गए वफाकी बजट के हक में वोट देगी या नहीं। न्यू डेमोक्रेट्स के पास हुकूमती लिबरल पार्टी को एतमाद और बजट के वोटों की हिमायत करने का मुआहदा है, जिसके बदले में पॉलिसी की अहम तरजीहात पर तहरीक चल रही है। ये मुआहदा अगले साल जून तक जारी रहेगा, लेकिन सिंह इस बात पर मतजाद है कि आया वो लिबरल्स के हालिया बजट की हिमायत करते हैं। सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने अभी तक ये फैसला नहीं किया है। बजट में वो अशिया शामिल हैं जिनका एनडीपी मुतालबा कर रहा है, जैसे कि कौमी फार्मा केयर प्रोग्राम के लिए फंडिंग और स्कूल लंच प्रोग्राम। लेकिन सिंह ने कहा कि उन्हें बजट के बारे में कई खदशात हैं। उन्होंने इस बात का हवाला दिया जिसे उन्होंने कौमी माजूरी के फ़ायदे के लिए नाकाफी फंडिंग के तौर पर बयान किया। उन्होंने कहा, हमें वजीर आजम और लिबरल से ये सुनना पड़ा है कि हम कोई फैसला करने से पहले हमारे खदशात पर उनका क्या रद्द अमल है। वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने पीर को कहा कि उसने हफ्ते के आखिर में एनडीपी के मालियाती नकाद डॉन डेविस से बात की। फ्रीलैंड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हमने एनडीपी के साथ अच्छी बातचीत की है जब हमने बजट बनाया। मुझे उम्मीद है कि हर एक पार्टी के एमपी इस बजट में ज़रूरी सरमायाकारी की हिमायत करेंगे। कंजर्वेटिव, ब्लॉक क्यूबेको और ग्रीन पार्टी सभी ने कहा है कि वो बजट की हिमायत नहीं करेंगे। कनाडा में सीजन से पहले ही जंगलात में लगी आग ने हुकाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया। कनाडा के सूबे अल्बर्टा के एक इलाके के लिए जंगल की आग का अलर्ट जारी किया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में सीजन से पहले ही जंगलात में लगी आग ने हुकाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया। कनाडा के सूबे अल्बर्टा के एक इलाके के लिए जंगल की आग का अलर्ट जारी किया गया है। कोल्ड लीक फर्स्ट नेशंस 149 के इलाके में घरों को खाली करने का हुक्म जारी किया गया था। अलर्ट में कहा गया है कि रेंज रोड 430 से लेकर रेंज रोड 434 तक के इलाके में जंगल की आग जल रही है। जो भी शख्स आग के करीब घर में रहता है उसे वहां से जाने के लिए कहा जा रहा है। कोल्ड लीक फर्स्ट नेशन एडमिंटन से तकरीबन 280 किलोमीटर शुमाल मशरक में है। दूसरी जानब बीसी वाइल्ड फायर सर्विस ने इतवार को एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा कि फायर फाइटर्स आग के मशरकी और मगरबी किनारे पर काम कर रहे हैं, जबकि कम्युनिटी वाइल्ड फायर रिस्पॉन्स ने जनूबी किनारे पर काम किया। भारी साजो सामान
और 2 हेलीकॉप्टर आग से लड़ने के लिए मदद फराहम कर रहे थे, जिसकी पैमाइश सर्विस के मुताबिक तकरीबन 25 हेक्टर थी। एक ढांचे के तहफ्फुज़ का माहिर रास्ते में है और पहुंचने पर ढांचे के तहफ्फुज़ की मुमकिन ज़रूरत का जायजा लेगा। ख्याल किया जाता है कि एंडाको और बर्जिस केरक दोनों की आग इंसानी सरगर्मियों की वजह से लगी है। BC वाइल्ड फायर सर्विस की तरफ से पीर को पोस्ट की गई मालूमात में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान सूबे में 9 जंगलात में आग लगना शुरू हुई थी। हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि इस साल जंगल की आग का मौसम एक चैलेंज हो सकता है, जिसमें सूबे का बेशतर हिस्सा मुसलसल खुश्क साली का सामना कर रहा है। गुज़िश्ता साल BC जंगल की आग के मौसम में 28,400 मुरबा किलोमीटर से ज़्यादा जंगल और ज़मीन जल गई, सैकड़ों घर तबाह और 10,000 लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए। कनाडा का 2023 का जंगल की आग का सीज़न अब तक का सबसे ज़्यादा तबाहकुन रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें इंटर एजेंसी फॉरेस्ट फायर सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 18.5 मिलियन हेक्टर अराजी जल गई थी। टोरंटो पुलिस अफसर की मौत में अदालत आलिया ने उमर जमीर को बेकसूर करार दे दिया है। जमीर ने पुलिस अफसर की मौत में फर्स्ट डिग्री कत्ल का कसूरवार न होने की इस्तदा की थी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस अफसर की मौत में अदालत आलिया ने उमर जमीर को बेकसूर करार दे दिया है। जमीर ने पुलिस अफसर की मौत में फर्स्ट डिग्री कत्ल का कसूरवार न होने की इस्तदा की थी। कांस्टेबल जेफरी नॉर्थरोप, जो 2 जुलाई 2021 को टोरंटो सिटी हॉल में जेर जमीन पार्किंग गैराज में गाड़ी से टकराने के बाद इंतकाल कर गए। नॉर्थरोप के साथी समेत 3 पुलिस अफसरान ने ऐनी शाहिदीन की गवाही फराहम की, जिसमें दावा किया गया कि तजर्बाकार जासूस जानलेवा हमले से कबल हाथ उठाकर खड़ा था। उमर जमीर का कहना है कि जब वो अपने 3 बच्चों को मुस्कुराते हुए देखता है तो उन्हें फौरन टोरंटो के एक पुलिस अफसर के बच्चों के बारे में सोचते हैं, जिनकी मौत के इल्ज़ाम से वो अब बरी हो चुका है। दूसरी जानब टोरंटो पुलिस के सरबराह मायरन डेमकियो ने ऑनटेरियो की सूबाई पुलिस से कहा है कि वो पुलिस अहलकार की मौत में उमर जमीर के मुकदमे की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एन मौलाय की तरफ से किए गए मनफी तबसरों के नतीजे में आजादाना जायजा लें। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जब भी टोरंटो पुलिस सर्विस अदलिया की तरफ से उठाए गए खदशा से आगाह होती है, उसकी हुक्मरानी का तकाजा है कि अफसर की गवाही, तर्ज अमल, तरीक़ाकार और तरबियत के हवाले से एक जायजा लिया जाए। टोरंटो पुलिस अफसरान जानते हैं कि हर एक दिन उनके हर काम से एतमाद हासिल करना जरूरी है। एतमाद के बगैर पुलिसिंग लामतनाही हद तक मुश्किल हो जाती है। जमीर को 3 दिन की बहस के बाद ज्यूरी ने फर्स्ट डिग्री कत्ल का कसूरवार नहीं पाया। पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में काम कर रहा था, जब वो काम के दौरान गाड़ी की जद में आकर हलाक हो गया। न्यूयॉर्क की अदालत में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल की समाअत जारी है। साबिक सदर 2016 के सदारती इलेक्शन में फ्रॉड का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। न्यूयॉर्क की अदालत में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल की समाअत जारी है। साबिक सदर पर 2016 के सदारती इलेक्शन में फ्रॉड का इल्ज़ाम आयद किया गया है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के वकील का कहना है कि ट्रंप बेगुनाह है, इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इस्तगासा का अदालत में दिए गए बयान में कहना था कि ट्रंप ने रकूम की अदायगी छुपाकर इलेक्शन को मुतासिर किया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुश मनी ट्रायल को अपने खिलाफ बड़ी जादूगरनी का शिकार करार दे दिया। ट्रंप को मुकदमात से इस्तस्ना की सुप्रीम कोर्ट में समाअत का इंतजार है, जबकि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की इस्तस्ना की दरख्वास्त की समाअत जुमेरात को करेगी। न्यूयॉर्क में अदालती पेशी के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यहाँ जो कुछ आप सुनना चाहते हैं यह आपके लिए बहुत आसान है। दरअसल ये मुकदमा मेरे खिलाफ मुश्तरका तौर पर विच हिंट है। उन्होंने अदालत के बाहर खुदसोजी की कोशिश करने वाले शख्स पर तबसरा करने से गुरेज किया और कहा कि अदालती निज़ाम के हवाले से लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पीर को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क में हुशमनी चुप रहने के लिए दी जाने वाली रिश्वत के मुजरिमाना मुकदमे में इब्तदाई बयान शुरू होने की तवक्को है। मुकदमे की समाअत के लिए रवां हफ्ते ही एक मुकम्मल 12 अफराद पर मुश्तमिल ज्यूरी और 6 मुतबादिल जजेस का इंतखाब किया जा चुका है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को कमरा अदालत से बाहर निकलते ही सहाफियों से बात किया और कहा कि जज जवान मर्चन हुशमनी ट्रायल की सदारत करने वाले जज चाहते हैं कि यह ट्रायल जल्द से जल्द हो। लोगों को हर किस तवक्को ना थी कि मुकदमा इतनी जल्द यानी पीर को शुरू हो जाएगा। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। News are precise and effective.